हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, नैना देवी मंदिर का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको नैना देवी मंदिर के रहस्य के बारे में अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें बताएंगे। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माता सती के शरीर के अंग गिरे थे, वह शक्तिपीठ बन गए। यह पीठ अत्यंत पावन तीर्थ कहलाता है। यह तीर्थ पूरे भारत में फैले हुए है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, इनमें से ही एक जगह है माता नैना देवी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, नैना देवी मंदिर शिवालिक पर्वत श्रेणियों की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तब आपको यह स्थित पीपल का पेड़ दिखेगा, जो यहाँ का आकर्षण केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दी के पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाई ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है। मुख्य द्वार पर करने पर दोस्तों मुख्य द्वार पार करने पर आपको दो शेर की प्रतिमा दिखेगी। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य तीन मूर्तियां मौजूद है। दाई तरफ माता काली, मध्य में नैना देवी की और बाई ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। दोस्तों, यहां आपको पास ही में पवित्र जल का तालाब मिलेगा, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मंदिर के समीप एक गुफा मौजूद है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिनमें सभी की उत्पत्ति की एक ही कथा है। ये सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। प्राचीन मान्यता के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति का अपमान होने पर माता सती ने स्वयं को उसी यज्ञ में भस्म कर लिया था। इसके बाद शिव जी अपना आपा खो बैठे तथा माता सती के देह को लेकर इधर उधर भटकने लगे। सभी देवता ने मिलकर भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने को कहा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, उसके बाद जहाँ जहाँ माता के शरीर का हिस्सा गिरा, वह शक्तिपीठ बन गए। नैना देवी का नाम भी माता के 51 शक्तिपीठों में आता है। कथा के अनुसार यह माता सती के दोनों नेत्र गिरे थे। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर शक्तिपीठ होने की जानकारी सबसे पहले एक गुर्जर लड़के को हुई थी, जो हर दिन यहाँ गाय चराने आता था। दोस्तों, उसने देखा कि एक गाय हर दिन नियम से एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। तो दोस्तों, तब नैना देवी ने उस गुर्जर लड़के को सपने में दर्शन दिए और कहा, जहाँ आकर गाय के स्तन से दूध की धारा बहने लगती है, वहाँ मेरे पिंड है, मैं नैना देवी हूँ। तो दोस्तों, गुर्जर लड़के को ये बात उस समय के राजा वीरचंद्र को बताई। लड़की की बात सुनकर महाराज खुद उस स्थान पर गए और अद्भुत नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा वीरचंद्र ने नैना देवी का मंदिर बनवाया। नैना देवी मंदिर में नवरात्रों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग में 56 प्रकार की वस्तु का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि नैना देवी मंदिर जागृत है, जो यहाँ आता है माँ उसकी मुरादें अवश्य पूरी करती है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई मुराद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।